अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये जी जनाब, आज तहज्जुद टाइम से जो है मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोई थी रात, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा थी, बारिश और यू नो ऑल दैट, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। और अभी जी जनाब बज रहे हैं यहाँ पर 2:48 हो गए, ठीक है। और मैंने अभी जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़नी थी और फिर नफल वगैरह भी पढ़ने थे। वैसे नफल नहीं होने थे मेरे तहज्जुद के, क्योंकि मैं सोई नहीं थी, क्योंकि उसके लिए आपको एक ऊँग आना ज़रूरी है। तो बस नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और फिर जी सहरी की तैयारी करते हैं। ये जी मेरी सहरी बन रही है, ठीक है जी। और ये जी माशाल्लाह दही बहुत अच्छा जम गया था, ठीक है। और मैं जो हूँ सहरी बना रही हूँ अभी, और मेरे बस लाइट जो है वो आपने इग्नोर करनी है, जब तक बल्ब लगेगा नहीं तो ऐसे ही होगा लाइट। और जी मेरी रोटी छोटी बन रही है, ठीक है। और बाकी ये कि सहरी मैं बना रही हूँ, और आज का व्लॉग जो है सहरी से लेकर पूरे दिन का व्लॉग शूट करते हैं, ठीक है। और ये जनाब सहरी बन चुकी है, अब हम खाने लगे थे। मैंने हाफ फ्राई ऑमलेट बनाए हैं, साथ साथ जी चाय है मेरी और दही और लस्सी वगैरह। चलें जी जनाब, सहरी हो गई है और अभी मैं नमाज़ पढ़ने लगी हूँ फजर की। हमारे यहाँ पे आज रोज़ा बंद हुआ था 4:35 पे। और आप लोग बताएं, आप लोगों के यहाँ पे कितने बजे रोज़ा जो है वो बंद हुआ है, ठीक है। और हमारे यहाँ तो बंद हो चुका है, अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी फजर की और फिर जो है वो ऐसा सोऊंगी कि मैं 12 बजे उठूंगी, क्योंकि मैं रात नहीं सोई आज। तो अब मैं आप लोगों को उठ के ही मिलूंगी, इसके बाद नहीं मिलूंगी, ठीक है जी। सो जी जनाब, मैं आ चुकी हूँ और अभी 11:30 हो गए। वैसे मैं 10 बजे या 10:30 बजे आई थिंक उठी थी, एग्जैक्टली टाइम मैंने देखा नहीं और वीडियो भी बनाई नहीं। और अभी मैं बना रही थी तो बस आज मेरे हस्बैंड भी छुट्टी पे है, वो भी नहीं गए काम पे, अभी वो बाज़ार गए हैं। और वो अभी जब तक नहीं आते तब तक मैं थोड़े से काम कंप्लीट करती हूँ और फिर जो है वो हम लोग शायद शायद अम्मी की तरफ भी जाएं और बाज़ार भी जाएं। सो तब तक जो है वो लेट्स सी कि हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। और स्किन केयर करने का रोज़ ही सोचती हूँ, रोज़ ही नहीं कर पाती। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे मुंह पे 2 दाने निकले, मैं दिखाती हूँ आपको। ओए होए होए, एकदम से दोनों एक ही जगह से निकल रहे हैं और वो इतने पेनफुल है ना यार। देखें जी, एक ये है, ठीक है, और एक ये दोनों एक ही जगह पे निकल रहे हैं और इतने शदीद पेनफुल है ना। ऑल राइट जनाब, एवरीथिंग इज डन, काम शाम सारे हो चुके हैं। अब हम जी पढ़ते हैं नमाज जुहर की, ठीक है जी। और आप लोग भी पढ़ें नमाज सारे, ठीक है। और हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, सबके लिए दुआएं खैर करें। और चलें जी अभी नमाज पढ़ते हैं, बाहर बारिश हो रही है। अयान को तो मैंने छुट्टी दे दी है, अब पता नहीं हम कहीं जा सकते हैं कि नहीं। चलें देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है, ठीक है जी। और अभी नमाज पढ़ते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। जनाब से अभी हम जा रहे हैं अम्मी के घर, अभी बारिश हो रही थी और सच्ची हो रही थी, सच्ची थोड़ी सी हुई है कतरा, और अभी फिर से धूप निकल आई है। नहीं यार, एक मिनट रुको, मुझे यहाँ से पिक्चर लेनी है, फिर आपने आ जाना। चलो चले जी, अभी हम जा रहे हैं अम्मी की तरफ। ये थोड़ी सी सामान है, वो बोतलें होती हैं हम लोग लेके जाते हैं, क्योंकि वो फिर अम्मी लोग वहाँ से दूध भेजते हैं ना, तो फिर उनको मसला नहीं होता। और ये जी अनमोल फातिमा की एक शर्ट है और बकरी का दूध जो हम अम्मी को भेजते हैं वो। और ये देखें जी अनमोल फातिमा की शैतानियाँ। और आपको पता है अम्मी की तरफ आऊँ अनमोल फातिमा को ना मिलूँ ऐसा तो होता नहीं है। ये बस इसके जो है ना, हम लोग इसको दंग कर रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो, और ये सारी नखरे करती है। माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा ही प्यारी है। देखें इसके तमाशे देखें बस जनाब, ये लाइव मनाजर अनमोल फातिमा के साथ। हम अनमोल फातिमा के घर पहुंच चुके हैं। अनमोल फातिमा आप कैसी हो, ठीक हो जनाब? सम्मी के घर हम आ चुके हैं और ये जी अनमोल फातिमा के काम देखें किधर गई है।
मोल किधर है? बाई रहो मोल, बात में बाई रहो, छुपी हुई है। और बारिश जो है ना फिर स्टार्ट हो गई है, और बारिश जो है वो ज़्यादा हो रही है, और बादल आप चेक कर सकते हो माशाल्लाह से। ठीक है जी, और ये देखें आप, बारिश ही बारिश हो रही है। जब हम आए उससे पहले कतरा का बारिश हुई है, और फिर धूप निकल आई है, मैंने दिखाया आपको, और फिर से वैसे ही मौसम हो गया। और ये देखिए बाहर आओ, ये मोल फातिमा किधर गई? झूला बनाया है मोल फातिमा का, तो इसको लटके रहने दो, जाओ तुम चली जाओ। बैठी हुई है, बाहर नहीं आना। और ये जी हमारी इफ्तारी जो है वो रेडी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी इफ्तारी अम्मी लोगों की तरफ ही हो गई है, ठीक है, वो थी तो नहीं वैसे, हम आए हैं तो उसके बाद से हुई है। और फिर जी बस इफ्तारी अच्छी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर हमने खाई है जी सेवैयाँ, आई होप मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ। फिर जी बस चीज़ चीज़ हो गई सब कुछ, बहुत सारी चीज़ मंगवाई हमने, और ये जूस वगैरह बस हर चीज़ जो है ना इसके अंदर आप लोग देख लें, ठीक है। जनाब सो अभी जो है वो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मैं अमीलों के घर ही सो रही हूँ। ये तैयबा मिसबा की, और ये मेरी, और ये उनकी, और ये दादी की, पीछे हम लोग जो है वो सारे पांचों एक ही रूम में। और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है आज, बहुत 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 ज़्यादा, और बर्फ़ भी थोड़ी थोड़ी गिरी है। और अभी जो है बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। सुबह जो है वो मैंने जाना मिसबा के स्कूल। मिसबा सुबह आपका क्या है बता दो। मिसबा का जी सुबह रिजल्ट है, और लेट्स सी कि क्या बनता है इसका और कौन सी पोजीशन आती है। चल जी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नहीं इंशाल्लाह पोजीशन आएगी ना, बोलो सारी लाएगी। चले जी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़।